रागादी रोगानं सतत अनुष्ठकानं अशेषिकाय प्रसुतान शेषानं औत्सुक्य मोहं अरतीताद जघान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। आयु कामेय मानेन धर्मार्थ सुख साधनं आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुहास शिंदे, नर्मदा आयुर्वेद क्लिनिक एंड पंचकर्म उपचार केंद्र खारगर नवी मुंबई और मनोमय आयुर्वेद एंड पंचकर्म हॉस्पिटल भोसरी पुणे पिंपरी चिंचवड। इधर एज एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट और पंचकर्म स्पेशलिस्ट करके कार्यरत हूँ। हमने एक 7-8 साल के प्रैक्टिस में बहुत से ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिन्हें पंचकर्म के बारे में जानकारी भी नहीं होती है, और दूसरी चीज़ कि आयुर्वेदिक में एक्चुअल कौन से डिसीज़ ट्रीट होते हैं इनके बारे में भी कुछ पता नहीं रहता है, और प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट सही समय पे अगर आयुर्वेदिक वैद्य डॉक्टर के पास नहीं आए तो फिर वो डिसीज़ बहुत क्रॉनिक होकर उसकी ट्रीटमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं होती है। तो ये सब देखने के बाद एक थोड़ा हमने ये सोचा कि अगर YouTube चैनल के ज़रिए हम पंचकर्म के बारे में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ज़रिए कौन कौन से डिसीज़ ट्रीट होते हैं इन सब के बारे में एक जनरल गाइडलाइंस और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिंस के बारे में अगर जानकारी पेशेंट को और बाकी लोगों को मिल जाए तो और बेहतर रहेगा। तो इसलिए हम YouTube चैनल का प्रारंभ कर रहे हैं, और जैसे कि आगे के सब वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप पंचकर्मा ऑल डिसीजेस और उसके साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिंस जैसे कि च्यवनप्राश सुवर्ण प्राशान और बहुत सारे और मेडिसिंस इसके बारे में जानकारी देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा हम लेकर आएंगे हमारे साथ, तब तक ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।